हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बॉस ऑफ शेयर बाजार इन्वेस्ट फोर एवर हो गया है so, सो हमारे चैनल पे आपको पता ही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आती रहती है तो इसलिए इससे हम नॉलेज ट्रेडिंग के पर्पज से भी आपको शॉर्ट टर्म के शेयर भी बताते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से वीडियो बनाते हैं उस शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं और शॉर्ट शॉर्ट टर्म में अगर हमें श, अच्छी खासी ट्रेडिंग मिलती है उससे रिलेटेड बात करते हैं तो इसी चीज से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के नॉलेज से रिलेटेड आप और सीखने से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते

बालाकृष्णन एंड ब्रोज तो हमने दो सप्ते के अंदर अंदर 30 परसेंट के रिटर्न कमाए हैं तो उसके लिए जिसने भी वीडियो देखी और इन्वेस्ट किया होगा तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन तीस परसेंट के रिटर्न आपको एक महीने से अंदर अंदर आपको मिल गए तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं तो सब्सक्राइब करिए शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ भी और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन कराइए और फिर स्टार्ट करिए ट्रेडिंग की जर्नी एज वेल एज इन्वेस्टिंग की जर्नी क्योंकि पैसा पैसा ही बड़ी है तो आइए और बात कर लेते हैं

बातें कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर निफ्टी आईटी यहाँ पर निफ्टी 50 आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो हम मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी का जो ये आ, इंडेक्स है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं और जब भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चलता है जब इसकी आर एस आई लगभग एटी के आसपास या सेवेंटी फाइव एटी के आसपास जाती है तो यहाँ पर एक गिरावट आती है जो कि हम पिछले इसकी हिस्ट्री से सीखते हैं क्योंकि पिछले की हिस्ट्री से हम सीखेंगे तो हम एक अच्छे ट्रेडर के साथ साथ अच्छे इन्वेस्टर भी बन पाएंगे और ये चीजें हमें सिखा के भी जाएगी और इसी तरीके से हम पैसा भी कमा सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी आई के शेयर से रिलेटेड निफ्टी आई के शेयरों में बिकवाली आने वाली है ओके और आ सकते है तो एक एक आज से दो दिन के पैसा नहीं लगाएंगे, कभी ना कभी पैसा निकालते हैं और जब पैसा निकालते हैं तो गिरावट होगी और पैसा किस सेक्टर में लगाएंगे उसी सेक्टर में ऐसे निकालेंगे जिस सेक्टर में ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और उन सेक्टर में बिकवाली करेंगे जिससे जिस सेक्टर ऑलरेडी चल लिया है और उस सेक्टर को खरीदेंगे जो सेक्टर अभी उन्हें दूसरे जिसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन तो सेक्टर रोटेशन होने वाला है अभी जो पिछले कुछ दिनों में जो पैसा बढ़ा है ना तो किस में बढ़ा है वो बढ़ा है निफ्टी अगर बात करें पिछले पंद्रह से बीस दिनों के अंदर अंदर मतलब एक महीना के लगभग होने वाला है निफ्टी आई में अच्छा खासा पैसा आया है और अच्छा खासा पैसा शेयर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे निफ्टी यहाँ पर अगर हम देखते हैं देखिए निफ्टी आई के जितने भी शेयर है यहाँ पर भागते हुए नजर आए हैं एज वेल एज अगर बात करें पर देख लीजिए पॉजिटिव क्लोज ओके अच्छा खासा तीन से बत्तीस सौ के आसपास टैक महिंद्रा यहाँ पर आ गया विप्रो आ गया है तो यहाँ पर ये यह सारे के सारे शेयर भागते हुए नजर आया तो मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब है अगर आप ट्रेडर है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है जो कि मैं भी करता जा रहा हूँ और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है थोड़ा टाइम देना है थोड़ा सा पैसे आप बीस पच्चीस परसेंट का जो सी से पैसा बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा अगर आप अच्छे खासे स्टॉक में बने हुए तो अगर हम देखते हैं देखिए निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वॉल टाइम हाई पे चल रहा है तो उनके साथ-साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स बनता किससे है तो वो बनाए ये पिछले ये गिने चुने 12 स्टॉक से एलटीआई एम्फेसिस कोफोस टीसीएस इंफोसिस एससीएल टेक महिंद्रा विप्रो माइंडट्री और यहाँ पर इंफोएच ओके okay, तो इन शेयर से ये क्या बनाया है तो इन शेयर से बना हुआ है आपका निफ्टी आई और निफ्टी आई की बात करूं तो देखिए ऑल ऑल टाइम टाइम हाई हाई पे पे चल चल रहा रहा है है और जब जब पे चल रहा है, पर भी आया था तो एक गिरावट आई है फिर यहां पर आ गया तो यहाँ पर दोबारा एक गिरावट आने के चांसेज है फिर यहाँ पर देखिए जब भी तो हमें हिस्ट्री से सीखना है तो हिस्ट्री क्या बताती है जब भी ऑल टाइम हाई पे आता है गिरता है ऑल टाइम हाई पे आता है गिरता है ऑल टाइम हाई पे आता है गिरता है थोड़ा सा गिरे या फिर ज्यादा गिरे इट डिपेंड्स की कितनी बिक वाली आ रही है यहाँ पर आ, यहाँ पर ज्यादा बिक वाली आई थी एफ आई आई इसकी तरफ से तो ज्यादा गिर गया था यहां पर कम कम, आ, कम बिक वाली आई थी थोड़ा सा गिरा था तो गिरना है बट कितना गिरना है वो डिपेंड्स करता है तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री कभी भी देख ले ऑल टाइम हाई पे जब भी आया है मार्केट यहाँ पर तो यहाँ पर एक गिरावट आई के स्टॉक्स में या फिर और कोई भी सेक्टर हो उसमें गिरावट आई आई है तो इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है और निफ्टी आई के शेयर और दूसरे आई के शेयर जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उनमें मुझे लगता है

अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस में भी आ, क्या सीन है तो इन्फोसिस भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहाँ पर देख लीजिए ऑल टाइम हाई इन द सेंस ऑल टाइम हाई तो इसका यही है ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है और अगर हम बात करें यहाँ पर आर एस आई की तो आर एस आई यहाँ पर इसका और बहुत ज़्यादा सेवेंटी टू चल रहा है और जब भी ये इस इस रेंज में आया है तो यहाँ पर एक गिरावट आई आई है इसके बाद बात करें एस सी एल टेक्नोलॉजी की तो एस सी एल टेक्नोलॉजी भी क्या है एस सी एल टेक्नोलॉजी भी निफ्टी फिफ्टी का ही निफ्टी आई टी का पार्ट है निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के आसपास देखिए नाइन्टी नाइन हंड्रेड से लेकर नाइन नाइन्टी की जर्नी करी है तो ये एक छोटी मोटी जर्नी नहीं होती तो इसे थोड़ा सा हमें समझना होगा थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो हमें एक चांसेस मिलेंगे ये थोड़ा सा पैसा अगर चालीस रुपए भी नीचे आ गया तो अच्छा खासा चालीस रुपए का गेन आपको पर शेयर पे मिल रहा है और आपके पास कितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और इतना आना ही है क्योंकि इसकी हिस्ट्री ये बताती है बार बार बता रही है इसकी हिस्ट्री ऑल टाइम है कि आने के बाद यहाँ पर गिरावट हुई है एस टेक्नोलॉजी हो गया इसके बाद बात करें टीसीएस टीसीएस कह रहे हैं लोग इतना जाएगा जाएगा यहाँ पर देखिए टारगेट ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आपको बता रखा टारगेट बन रहा है इस चीज को दीजिए कोफोर्ज की बात करें कोफोर्ज फोर्ज यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है माइंट्री यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है विप्रो की बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इन शेयरों में थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल पर फंसना नहीं है क्योंकि यहाँ पर टीवी uh, में बताते रहते हैं दूसरे लोग बताते रहते हैं ये शेयर खरीदिए ये शेयर खरीदिए बट आपको कोई नहीं बताता कि किस लेवल पर खरीदे कैसे खरीदे तो शेयर खरीदने के एक तरीका होता है वरना का लोग ऊपर लेवल पर ले लेते ले हैं और वो फंस जाते हैं तो फिर फंसने का कोई मतलब नहीं रहता फिर उसे आने में रिकवर करने में छह महीने लग जाते तीन महीने लग जाते एक साल लग जाते तो ऊपर के लेवल पर शेयर खरीदना बंद करिए और, और स्टार्ट करिए नीचे से खरीदना तो नीचे से खरीदने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा पेशेंस रखने

एल टी आई एल टी आई भी देखिए ऑल टाइम हाई तो इसका यहाँ पर है बट अगर बात करें यहाँ पर अच्छा खासा कप वेदर पैटर्न भी बन रहा है बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर नहीं फंसना क्योंकि यहाँ पर दोबारा इसकी हिस्ट्री है जब भी यहाँ पर आया है यहाँ पर गिरावट हुई है तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आनी अब शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मैं एग्जिट करूंगा ओके और फिर दोबारा नीचे आएगा तो यही शेयर है इन्हीं में इन्हीं में हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है और यही शेयर हमें अच्छा खासा दे गेंद लाते हुए दिखाई देंगे इन्फोएज अभी मत बेचना क्योंकि इन्फोएच अभी रिजल्ट आने वाले हैं बाकी यहाँ पर दूसरे शेयर है तो इनकी तरफ आप देख सकते हैं तो ये शेयर आपको अच्छा खासा